दोस्तों आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अंडरग्राउंड वाटर टैंक में जो हम लोग पाइप स्लिथ लगाते हैं उसको कैसे लगाया जाता है और लगाते समय उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, हम आपको पहले अपना ड्राइंग में प्लान दिखाएंगे कि किस प्रकार उसको ड्राइंग में शो करता है और उसके बाद साइड में जब लगाते हैं तो लगाते समय हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमें दोबारा रिवर्क ना करना पड़े और हमारा पानी का जो लीकेज है, वाटर का जो लीकेज है या सीपेज है वो ना हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी ड्राइंग है, हम पहले आपको ड्राइंग में दिखाते हैं। दोस्तों जैसे आप ये देख सकते हैं ये हमारे टैंक का क्या है, प्लान है। किसका? पाइप स्लिप्स प्लान है। यहाँ पे आपको ये जो नंबरिंग अलग अलग रेड कलर का दिखा रहा है, शो कर रहा है, ये क्या है, ये अलग अलग साइज के अलग अलग पाइप हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे पूरा ये डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पाइप स्लिप्स के डिटेल हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग नंबरिंग से हमारा साइज का जो नोजल नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद ये हमारे किस टैंक में लगेंगे, इसके बाद हमारा डाया क्या है, इसके बाद हमारा लेवल क्या है, विशेषकर ये लेवल हमारा कहाँ है और कितने नंबर ऑफ पाइप हैं और उन पाइपों के अंदर जो हमारे पैडल फ्लेंज लगेंगे, ठीक है दोस्तों, वो किस साइज में किस साइज का पैडल फ्लेंज लगेगा वो उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसको विशेष कर से जो ये हमारा दिया हुआ है इसको क्या करते हैं, पाइप स्लिप्स के ऊपर वेल्डिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद जैसे कि ये देखिए यहाँ पे शो किया है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पैडल फ्लेंज जो है उसको वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग करने के बाद इसको कॉन्क्रीट के अंदर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जाता है, ये भी दिखा रहा है, ये मिडिल ऑफ आरसीसी वाल में दिखा रहा है, ठीक है। बट इसको साइड में कैसे प्लेस करते हैं और करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है वो हम आपको चल के साइड में दिखाते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी हमने आपको ड्राइंग में दिखाया था, ये हमारा क्या है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है ये पाइप स्लिप्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया इसके बारे में बताते हैं। तो ये हमारे पाइप स्लिप्स हो गए दोस्तों। इसको लगाते समय हमें कुछ विशेष इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसे हमें लगाते समय ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है, जब हम इस पाइप को लगाते हैं तो ये आप देखेंगे इसमें पैडल फ्लेंज या पैडल प्लेट इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, दोनों जो हमारा पाइप स्लिप्स होता है इसके मिडिल में दिया जाता है। और इसका जो देने का मेन पर्पज़ होता है, आप देख सकते हैं हमारे और भी पाइप स्लिप्स में लगा है, इसका जो देने का मेन पर्पज़ होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये एक तो इंस्टॉल करने के लिए, जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट कर सकें, और दूसरा इसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, प्लस सपोर्ट के लिए, दूसरा स्ट्रेंथ के लिए, मतलब ये क्या है, ये बहुत सारे काम करती है। और तीसरा जो है दोस्तों, जब हम इसको आरसीसी के वाल में कहाँ रखते हैं, आरसीसी जो हमारी वाल होती है इसके मिडिल में रखना होता है, ठीक है। ये जो पैडल फ्लंच होती है या प्लेट होती है इसको मिडिल में रखते हैं कास्टिंग के टाइम में, और इसको जो मेन पर्पज़ है ये क्या है, मिडिल में देना है ताकि कंक्रीट होने के बाद हमारा लीकेज या सीपेज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? लीकेज या सीपेज नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप ये पाइप को लगाते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो इसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट आप स्पीड लेवल से इसका लेवल चेक कर लें, प्लेट को बीच में आपका मिडिल वाल के जो हमारा आरसीसी वाल है उसके बीच में आना चाहिए। दूसरा इसको जो हमारा एज़ पर ड्राइंग लेवल है उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कौन से डाया का हमारा पाइप का क्या लेवल है या क्या लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करना है। दूसरा हम लोगों ने जैसे आप देखते हैं इसको लगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वेल्डिंग रॉड में इसको पूरा अलाइनमेंट करने के बाद इसको वेल्डिंग रॉड से फिक्स कर दिया ताकि ये हिले ना, और इसके साथ ही ये प्रॉपर तरीके से हमें एक चीज़ इसमें और दोस्तों याद रखना, जैसे कि ये कॉन्क्रीट से जो है ना, ये कॉन्क्रीट से आप इतना ज़रूर मार्जिंग रखिएगा ताकि इसमें जो हमारे आपका सेक्शन पाइप जाएगा उसके नट बोल्ट इजली वे में लग सकें। तो कास्टिंग के टाइम में ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वाल से ये 50 mm 60 mm हमारा बाहर ही आना चाहिए ताकि इसके अंदर जो हमारी दूसरी पाइप लगेगी उसके जो नट बोल्ट है वो इजली वे में लग सके। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको लगाते हैं, किसमें, आरसीसी वाल के अंदर इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करते समय जैसे कि हमने आपको लेवल का बताया, इसके बाद इसको कैसे प्लेस करना है, पैडल प्लेट जो होती है इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका मेन क्या है, जब भी आपका हॉरिजेंटल या वर्टिकल लोड पड़ता है तो उसको कहीं ना कहीं ये सेव भी करता है, यानी हमारी जो पाइप है इसमें लगने के बाद जो वाइब्रेशन होगा मोटर के साथ जो हमारे इसके सेक्शन लगेंगे इसमें कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होगा तो उससे भी इसको स्ट्रेंथ मिलेगी, किसको, पाइप को। दूसरा चीज़ दोस्तों इसमें एक चीज़ और है, हमारे ड्रॉइंग में ऑलरेडी मेंशन किया गया है, यहाँ जहाँ भी हम लोग पाइप स्लिप लगाते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि हॉरिजेंटल या वर्टिकल लोड के टाइम में पैडल फ्लंच के पोर्शन में कहीं भी क्रैक ना आए। क्या नहीं आए? क्रैक नहीं आना चाहिए। इसके लिए इसमें एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट भी हमारे सारे पाइप स्लिप्स में ड्राइंग में ऑलरेडी मेंशन किया गया है इसमें एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट का। तो दोस्तों इस प्रकार से जब कभी भी आप अपने
अंडरग्राउंड टैंक हो गया या ऑयल टैंक हो गए, जहाँ कहीं भी पाइप स्लिप्स का काम है, तो इनको फिक्स करते समय आपको लेबल हो गया और अलाइनमेंट हो गया, आप स्पीड लेवल्स में इनमें लेवल चेक करिए इनका कहाँ पे किस लोकेशन पे दिया गया है, और जो ये पैडल प्लेट दिया गया है ये आरसीसी वाल के बीच में देना है, ताकि जो इसका मेन पर्पज़ है लीकेज और स्ट्रेंथ के लिए वो हमको प्रॉपर तरीके से मिले। तो इन चीज़ों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो कभी भी आप किसी भी टैंक में आप जब पाइप स्लिप्स का काम करते हैं तो ना तो दोबारा रिवर्क करना पड़ेगा और आपकी वाल की और अपना पाइप स्लिप्स का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक आगे चल के हमें बेनिफिट मिलेगा, जो कि आप बहुत जगह देखे होंगे लीकेज और सीपेज के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हाँ इसको एक चीज़ और ध्यान रखना है, पहले इसको प्रॉपर तरीके से फिक्स करना है, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना, उसके बाद ही आपको सेटरिंग का काम करना है, उसके पहले नहीं। ऐसा नहीं कि हमने इसको कर दिया चिपिंग करके इसको बाद में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं लीकेज 100% आएगा। तो इन चीज़ों को यदि आप प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करते हैं तो इन प्रॉब्लम से ज़रूर दूर रहेंगे और हमारा जो मेन पर्पज़ है क्वालिटी को मेंटेन करना, वो 100% क्वालिटी मेंटेन होगी। तो दोस्तों एक बार हम अपने टैंक का आपको ओवरऑल व्यू दिखाते हैं और इसके बाद यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो 100% आपके प्रोजेक्ट की और आपके खुद की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक, यदि हम दोस्तों इसकी बात करें तो ये जीरो लेवल से कितना 4.9 मीटर नीचे गया हुआ है, कितना 4.9 मीटर नीचे गया है। और यदि हम इसके ओवरऑल कैपेसिटी की बात करते हैं दोस्तों तो ये हमारा कितना है 3500, कितना 3500 KL का ये हमारा टैंक जो है इसकी पूरी कैपेसिटी है। और दोस्तों जैसे कि हमने अभी आपको बताया इसमें एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो है वो ज़रूर लगाना है, और जब भी आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक या कोई भी टैंक्स हैं जिनमें पाइप स्लिप शो करता है तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारियों को यदि आप उसमें फॉलो करते हैं और उसको उसमें चेकिंग के टाइम में उसको मेंटेन करते हैं तो 100% लीकेज के चांसेज और सीपेज के चांसेज बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जहाँ कहीं भी टैंक बनाइए तो उन इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में ज़रूर लागू करिए ताकि क्वालिटी और टाइम दोनों आपका बचे। थैंक यू दोस्तों।